हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपकी पूरी फ्रेंड शालिनी रस्तोगी और आज आपके लिए लेकर आई हूं सूजी से बनी हुई एक बहुत ही अच्छी मिठाई जो कि बहुत ही कम कीमत पर बनी है और खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी है। तो आज हम बनाने वाले हैं सूजी की बर्फी। आप देखेंगे एक एक पीस कितना शानदार बना है और कितना साफ बना है। तो आइए फटाफट से इसको बनाना शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले, अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ पहले उसको सब्सक्राइब कर लें और अगर वीडियो पसंद आए तो दें थम्स अप। तो आइए फटाफट से बनाना शुरू करते हैं। इसको बनाने के लिए गैस ऑन करके रखेंगे पैन और उसमें डालेंगे एक कटोरी सूजी। सूजी हमें बारीक लेनी है। अगर आपके पास मोटी सूजी है तो आप मिक्सी में डालकर उसको थोड़ा सा चला लें और सूजी को बारीक कर लें। स्लो फ्लेम पर ही हमें इसको भूनना है और इसको हमें ऐसे भूनना है कि इसका कलर भी चेंज ना हो और सूजी भी हमारी अच्छे से भून जाए। अगर कलर इसका चेंज हो जाएगा तो हमारी जो बर्फी बनेगी उसका कलर भी चेंज हो जाएगा, वो वाइट नहीं बनेगी। तो स्लो फ्लेम पर इसको हम भूनेंगे और साथ ही इसमें डालेंगे 2 चम्मच देसी घी। 1, 2। यहाँ पर जो घी है मेरे पास, आपको पीले कलर का लग रहा होगा तो मैं बता दूँ कि ये गाय का घी है। आपके पास जो भी घी हो आप वो इसमें डाल सकते हैं। तो बस इसको अब हम भून लेंगे। मुझे सूजी को भूनते हुए 4 से 5 मिनट हो चुके हैं। आप देखोगे कि इसका हल्का सा कलर चेंज हो गया। तो बस गैस को हम ऑफ कर देंगे और सूजी को दूसरे बर्तन में ट्रांसफ़र कर लेंगे। अब उसी पैन में जितनी हमने सूजी ली थी उससे आधी डालेंगे चीनी, यानी 1 कटोरी सूजी ली थी तो आधी कटोरी डालेंगे चीनी और 1 कटोरी डालेंगे पानी। दोनों चीज़ों को उबलने देंगे जब तक ये एक चिपचिपी चाशनी नहीं बन जाती है। चीनी हमारी बॉयल होने लगी है। आप देखोगे कि ये बिल्कुल पतली है, इसमें हमने कोई भी तार नहीं बनाया है। तो बस अब इसमें हम डाल देंगे सूजी, मिक्स करेंगे, फ्लेम को बिल्कुल स्लो कर देंगे और दोनों चीज़ों को आपस में पकने देंगे। साथ ही इसमें डाल देंगे 2 चम्मच पाउडर दूध। ये ऑप्शनल है, अगर आप डालना चाहते हैं तो डाल लें, या आपके पास नहीं है तो आप इसको ना भी डालें। मिक्स करेंगे। दो डाले के छोटी इलायची, ये मैंने साबुदाने डाल रही हूँ इसमें, आज मैंने इसको क्रश नहीं किया है। सारी चीज़ों को मिक्स करेंगे और लास्ट में इसमें डालेंगे क्रश किया हुआ नारियल का बुरादा। अगर आपको पसंद है तो डालें, कम या ज़्यादा अपने हिसाब से आप कर सकते हैं। सारी चीज़ों को मिक्स करेंगे। इस टाइम इसमें 1 चम्मच घी और डालेंगे। और बस बिल्कुल जमने के लिए हमारी बर्फी तैयार है। अब मैंने यहाँ पे लिए एक ट्रे और उसमें लगा दिया है एल्युमिनियम फॉइल, हमेशा की तरह जैसे कि मैं बर्फी बनाती हूँ। इसमें डो को डालेंगे और बिल्कुल इकसार कर लेंगे। जितनी मोटी आप लेयर लगानी चाहते हैं उतने मोटी इसको फैला लें, ऊपर से बिल्कुल चिकना कर लेंगे। जब बर्फी बिल्कुल हमारी ऊपर से चिकनी हो जाएगी तब इसमें लगा देंगे हम चांदी का वर्क। और अब इसको हम 15 मिनट के लिए ठंडा होने देंगे। बर्फी अब हमारी ठंडी हो चुकी है और इसको निकालने के लिए आप देखेंगे कि कितनी आसानी से निकल जाती है। ये किनारों को छुड़ाना कितना ही आसान है, इसको निकाल लेंगे। और प्लेट में रख लेंगे। अब इसमें लगाएंगे कट। आप देखोगे कितनी आसानी से हमारे ये पीस निकले आएंगे इस तरीके से, और कितनी अच्छी बर्फी हमारी बनकर तैयार हो गई है। तो आप लोगों को अगर मेरी वीडियो पसंद है तो लाइक का बटन ज़रूर दबाएं। Thank you.